पब्लिक के रुझानों के मुताबिक यहां के वर्तमान विधायक एवं सभा के प्रत्याशी सतीश निगम का पलड़ा काफी भारी नजर आया। वर्तमान विधायक एवं राज्य मंत्री श्रीमती नीलमा कटियार के प्रति जनता का काफी आक्रोश दिखा। जनता का कहना है कि 5 वर्षों में कभी भी क्षेत्र में वह निकलकर नहीं आई और जनता का कहना है कि यहां का मामा तालाब जो कि ऐतिहासिक है, आज यहां नगर निगम द्वारा कूड़े को डंप किया जाता है जिससे कि बहुत सी वहां बीमारियां फैल रही हैं। यहां की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है। आज मैं यहाँ पर कानपुर में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र अम्बेडकरपुरम कॉलोनी में यहाँ पर हूँ और यहाँ पर जनता का रुझान लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे साथ ये आपका आफ्ताब आलम जी लालू जी यहाँ पर हैं। आइए लालू जी, आपका स्वागत है यहाँ पर एक्सप्रेस न्यूज भारत पे, और इनसे रुझान लेते हैं यहाँ पर कि क्षेत्र में क्या क्या समस्या रही, क्या प्राथमिकताएं रही। आपका नाम राम आश्रय, आइए। तो लालू जी, आप बताइए क्षेत्र में क्या रही है, समस्याएं क्या है, क्या कितना निदान हुआ था क्षेत्र में? समस्या काफी है और जैसे कि यहाँ पानी की दिक्कत है पीने वाली और रोड की समस्या है और भी तमाम समस्याएं हैं, मगर ये है कि चुनाव में है, जनता अपना वोट सोच समझ के देगी। किसको वोट देगी? अब जनता वोट समय आने पे अपना फैसला लेगी कि हमें किसको चुनना जो सही काम करे, सही दुख दर्द पाले और जनता के बीच में काम करे, उसी को जनता चुनेगी। क्या उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ कार्य नहीं किया यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे विधायक वो भी ठीक है, सतीश निगम जी भी ठीक है, सभी विधायक तो अपनी जगह सब ठीक है, मगर जनता अपना फैसला अपना वक्त आने पे लेती है कि किसको हमें चुनना है, किसको वोट देना है। भैया बगल में अजय, अरे कोई बात नहीं, क्या भैया आप क्षेत्र में क्या क्या समस्या रही और क्या निदान हुआ? समस्या है पारी का सुविधा लाइन है, जाम हो जाती है, पानी कभी कभी गंदा आने लगता है, यहाँ पीने लायक नहीं रहता, ये सब समस्या है यहाँ। इसका कोई निदान नहीं हुआ अभी तक? ये सब कोई निदान है नहीं हुआ। अच्छा, बगल में पीने के पानी की समस्या है यहाँ पर और सीवर लाइन में गंदा पानी आने लगता है, गंदा पानी आने लगता है ना, कोई हैंडपंप यहाँ कायदे का लगा है। अच्छा, पब्लिक क्वालिटी। हाँ भैया बताए, क्या नाम भैया आपका? सोनकर। हाँ सोनकर, ये बताया जरा यहाँ पर कुछ बताएंगे आप क्या करूँ? अरे जो विधायक है निर्मल कटियार जी, एक बार यहाँ पे तब से 5 साल की सरकार में तब से यहाँ पे झाँकने नहीं आई। ये बात। अब जो है विधायक जी ने रोड बनवाई थी, नालियाँ की दिक्कत थी, मगर नाली बन जाती क्या विधायक जी आ चुके थे। विधायक तो आप विधायक की बात कर रहे हैं सतीश सिंह की जी, नालियाँ बनवाई थी, रोड बनवाया था, रोड बनवाई थी जी, नालियाँ भी बनती अगर वो हट न जाते तो। इसके लिए प्रयास किया था ना? नहीं किया, नहीं किया तो प्रयास, मगर यहाँ पे जो कूड़ा है शहर का जितना भी इधर आता है तो सीधे तालाब में आके गिरा, वो कभी भी यहाँ से कम होते कभी आज तक गया नहीं, यहाँ पे कूड़ा डालना चाहिए वो आता नहीं, ये मामा तालाब में डाल दिया है, रात के वहाँ से आते हैं मामा तालाब में डाल देते हैं। देखिए अभी जो यहाँ रुझान लगे हैं यहाँ पर, यही लग रहा है कि जो यहाँ के पूर्व यहाँ पर जो विधायक थे अपने सतीश निगम, उन्होंने यहाँ पर रोडे वोडे बनवाई थी और यहाँ एक जो बहुत ही हिस्टिकल यहाँ पर एक मामा तालाब है वो नेरोड़ो 500 मीटर की दूरी पर है यहाँ पर, उस तालाब को वहाँ पर कूड़े पर यहाँ का कूड़ा जो यहाँ पर डंप किया जा रहा है उसका आगे निदान नहीं हो रहा है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बड़ा खराब है यहाँ पर और लोगों को पानी की बड़ी समस्या है, पानी नाली की नहीं मिलता उनको, जो पानी की लाइनें हैं पुरानी टूट गई हैं, सीवर लाइन का भी अभाव है, जो कि यहाँ के राज्य मंत्री नीलमा कटियार जो कि यहाँ की मंत्री थी, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। देखिये ये मामा का तालाब है यहाँ पर और इसको कैमरा आगे दिखाया जाए यहाँ पर, ये बड़ा हिस्टिकल यहाँ पर ये जो ये तालाब है, लेकिन इसको यहाँ पर बजाय सौंदर्यीकरण के यहाँ पर कूड़े के कूड़े का माया डंप किया जाता है और कूड़े की निकासी नहीं होती यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इतनी सुविधाएं जो हैं, इतनी
यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पर पानी की निकासी और यहाँ पर लोगों को पानी पीने मोहताज है लोग, यहाँ पर सड़कों की बुरी हालत है यहाँ पर, और ये आप देखिए यहाँ पर स्थिति कितनी खराब है यहाँ पर। और ये जनजीवन के लिए आज के जो कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से कोविड का जो यहाँ पर है वो इसके हिसाब से ये बहुत ही खतरनाक है यहाँ पर। लेकिन क्या ना प्रशासन ना यहाँ की जो वर्तमान यहाँ की जो मंत्री थी यहाँ पर, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। हमारे पास व्यूज भी हैं और मैं यहाँ पर कुछ जनता के रूप में बात करना चाहता हूँ। आपका क्या सुनना? सफदर हुसैन। सफदर जी क्या है बताइए आप इसमें? यहाँ जो पोजीशन यह है कि अब ये 5 साल के शासन काल में नीलमा जी हमारे यहाँ की जो मंत्री बन गई है, मैंने उनसे कई बार आग्रह किया है कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, हमारे क्षेत्र की मजबूरियों को देखिए, हमारे क्षेत्र की गंदगी को देखिए, सफाई कराइए। लेकिन आज तक आना तो दूर है, उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि अपने हिसाब से एक जमादार यहाँ पर भेज के सफाई करा दें, कभी इतना भी नहीं हुआ उनसे। नहीं तो पार्षद की जिम्मेदारी होती है ना, पार्षद कौन है? जब हमारे क्षेत्र का पार्षद भी झांकने नहीं आता, हमारे क्षेत्र की कटियार साहबा भी नहीं। पार्षद कौन है? संजय यादव। क्या है, सापा के हैं किसके? वो सापा के हैं। लेकिन मैं कोई पार्टी बेसिस नहीं, मैं एक आम बात कर रहा हूँ कि जिसका अधिकार है आने का, जब मंत्री भी नहीं आ रहा है, सभा भी नहीं, सभासद भी नहीं आता है, जनता क्या करेगी? अपने आप इन्होंने कहा, हमारे इंटरव्यू में कहा है उन्होंने, इन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है। में है ये। इससे पहले के 5 साल के शासन काल में सतीश निगम का ही देन है जो उन्होंने ये रोडें सब बनवा दी थी, तो ये बनी हुई है। वरना अभी तक जब से भाजपा का शासन काल आया तब से अभी तक यहाँ पर कोई, यहाँ तक के जो भोले सिंह इस क्षेत्र के सांसद बने हैं वो भी ये कहने नहीं आए कि आप लोग घबराइए नहीं कि मैं आपके पीछे हूँ। और, 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 और क्या नाम भैया? बोल दिया जो बोलती वही बात बोल दी। जान चुनाव आ रहे हैं, उसमें क्या रुझान है? रुझान यही है कि हम तो चाहते हैं कि जो समाज का मूल्य विकास करे तो वही सबसे अच्छा भैया नेता है, जो समाज गरीबों का ध्यान दे। के हिसाब से आपके सतीश निगम जो है यहाँ पे उपयुक्त है? हाँ, उसी रहे। क्या नाम भैया आपका? आपका नाम भैया क्या? क्या नाम भी आपका? कुलदीप गुप्ता। कुलदीप गुप्ता जी बताएं कि जाओ क्या रुझान है? बस कहना चाहूंगा कि नीलमा जो है नॉट अलाउड, बीजेपी नॉट अलाउड, सतीश निगम जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ हाँ, हल्का लगा दो नारा। सतीश निगम जिंदाबाद। सतीश निगम। अभी तक कोई काम नहीं। और इसके पहले जब सपा की सरकार थी, जब हमारे माननीय सतीश निगम थे, तो सारी जनता जानती है, सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि उन्होंने कितना विकास किया है। ये आप लोग भी जानते होंगे कि सतीश निगम जी ने कितना विकास किया है, ये हम लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और अब की बार हम लोग यही प्रयास बना के, पूरे मूड बना करके ये बैठे हुए हैं कि सतीश निगम को फिर अपने कल्याणपुर विधानसभा से विजयी बनाना है और वही इस विधानसभा में जनता का जो है भला कर पाएंगे। बाकी हमें नहीं लगता है कि कोई कर पाएगा, क्योंकि अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं। आप देख लीजिए सामने ये पार्क, देखिए इस पार्क की क्या स्थिति है। मतलब यहाँ क्या जनता नहीं रहती, नायिका जी के लिए सब दिखता नहीं है कि यहाँ जनता रहती है तो लेते यहाँ। मतलब देखिए इस पार्क की स्थिति देखिए, अभी तक इसको कोई यहाँ देखा नहीं। तो बता दे कि विधायिका जी एक बार यहाँ पे एक बार भी आई है, यहाँ पे नहीं आई। उन्होंने कभी यहाँ की जनता को समझा ही नहीं कि वो जनता हमारी। आप लोग यहाँ उनके बाद ज्ञापन ज्ञापन लेके गए हैं यहाँ पर? हाँ, कईयों बार जा चुके हैं हम लोग इस पार्क को लेके, सब चीजों को लेकर। क्या कहना रहता उनका? हो जाएगा। क्षेत्र की समस्या है, बताइए। समस्या गंदगी यहाँ बहुत है, गंदगी बहुत है, गंदगी। कोई सारा साधन नहीं, ना पानी का, ना कोई किसी चीज का, कोई समस्या का, ना कोई झाड़ू लगाने वाला है, ना पूरा ले आने वाला है, ले जाने वाला कोई नहीं। इतना बगल में इतना गंदगी भरी पड़ी है तालाब में, सारी गंदगी यहाँ पे, इतनी सारी बीमारियाँ फैलती है, पूछेगा नहीं ये यहाँ पर। और ये देखिए पेड़ों क्या बने। रजनी शुक्ला। हाँ बताए, जरा बताए। कह रहे पार्क में सफाई नहीं है बिल्कुल भी, और ना यहाँ पर हैंड पाइप है, पानी नहीं आता तो सब लोग प्यासे रहते हैं। और ये देखिए गंदगी कितनी है, पेड़ों की छटाई भी नहीं होती है। जब आंधी आती लाइट चली जाती, दो तीन तीन दिन बिजली भी, मतलब तार भी कितने बार टूट, तार देखिए कितने लटके हैं, देखिए जो यहाँ की विधायिका जी, उन्होंने कुछ काम किया यहाँ पर? कोई नहीं आता, सतीश निगम आते, दो तीन सतीश निगम जी आते हैं। विधायिका जो यहाँ मंत्री है वो
और नीलमा कटियार वो नहीं आते, कभी नहीं आती है। क्या बता रही हैं आप? हम यही कह रहे तार टूटते हैं बारिश में, यहाँ पे स्पार्किंग होती है, ज्यादा स्पार्किंग होगी दिन पूरा तार टूट के। जो यहाँ की विधायिका जी कभी आती है यहाँ पर क्या? कभी नहीं, कभी नहीं आती, कभी नहीं आती, देखा ही नहीं उनको, 5 सालों एक बार भी नहीं आई, देखा ही नहीं उनको, कोई सफाई कोई कुछ, लेकिन जानते हैं उनको, देखा नहीं, यहाँ नहीं आई, यहाँ नहीं आई, पार्क की गंदगी देखिए, अगर 2-4 बार नेता नगरी आए तो सफाई हो जाएगी, पब्लिक भी नहीं, ऐसे तो पब्लिक सुनती नहीं ना, बिहार को भगाओ। और अब की बार हम लोग सतीश कुमार निगम जी को जिताएंगे और इतने ज्यादा वोटों से जिताएंगे, हम लोग उसके मतलब सोच भी नहीं सकते, इतने ज्यादा वोटों जिताएंगे उनको हम लोग, बोल दीजिए यहाँ जनता, बोल दीजिए आप, बोल दीजिए। देखिए यहाँ पर जनता का रुझान है वो यहाँ की जो वर्तमान विधायिका है जो नीलमा कटियार, उनसे काफी उनका आक्रोश है यहाँ पर, उन्होंने जो कि और उनका जायज भी है क्योंकि उन्होंने आज तक यहाँ पर क्षेत्र के लिए कुछ देखा नहीं, और ये लोग बार बार उनको ज्ञापन देने भी गए लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज किया, और आज जो यहाँ के पूर्व यहाँ के विधायक थे सतीश निगम, उन्होंने इनकी दर्द दुर्द समझा और उनके साथ वो खड़े रहे, उन्होंने यहाँ कुछ रोडे बनवाई है, कुछ उनका मामा तालाब का जो सौंदर्यीकरण का बता रहे थे प्रोजेक्ट, हमारा हमारे इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जो हमारा प्रोजेक्ट रह गया है उसको इस बार हम प्रायोरिटी में पूरा कराएंगे और मामा तालाब का सौंदर्यीकरण करेंगे इसका, ताकि यहाँ के लोगों को निजात मिल पाए, और उन्होंने इस तालाब को सौंदर्यीकरण का ये तो उद्देश्य दिया है, प्लस गरीबों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री और प्लस 1500 रुपए महीने पेंशन का भी उन्होंने वादा किया है। लेकिन ये बताइए राशन जो फ्री दिया जा रहा है, ये राशन सिर्फ मार्च तक की दिया जा रहा है, उसके बाद नहीं, मार्च राशन क्या फ्री दिया, 200 रुपए का राशन मान लो दिया, वही 400 रुपए वाला सिलेंडर आज 950 रुपए मिल रहा है, वो सिलेंडर भर के कीमत के राशन नहीं दे रहे, सिलेंडर भर की कीमत का राशन नहीं दे रहे। लेकिन बीजेपी तो जा रही, कह रही हम चुनाव में जा रहे हैं राशन के चक्कर में, वो राशन के चक्कर नहीं जा रहे, वो जा ही रहे हैं, अब की बार मिलता है 0/0 है, इसीलिए वो जा ही रहे हैं, अभी यही कहेंगे और क्या कहेंगे, 9 किलो मिलता है, आप राशन की दुकान में जाइए, भीड़ देखिए, तौला लीजिए कि मालूम है 10 किलो में 9 किलो देते हैं यहाँ के राशन वाले, और ये पोजीशन है, फिर यूनिट काटे हुए हैं, फिर तुमने जनता से राशन फ्री देने का जो वादा किया है, आप फ्री देते हैं तो उसमें फुटके क्यों लगवाते हैं, लोगों को बता। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।